चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे पास में जो फिश का स्टॉक है अभी आज के डेट में, जो पूरे शॉप में कौन कौन सा फिश है वो देखेंगे, जो कि आप फिश का स्टॉक देखने के बाद में आप आसपास में है तो वो फिश के ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आसपास में दो चार घंटे के रन में, अगर आप ज्यादा लंबे हैं तो ज्यादा दूर है तो ये फिश आपको पार्सल में नहीं मिलेगी दोस्तों, तो आपकी यहाँ आके लेनी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे हमारे पास में आज जो नया स्टॉक आया है उसके अंदर कुछ मैंने इम्पोर्टेड स्टॉक मंगाया है दोस्तों, तो उसमें कौन कौन से फिश है वो देखेंगे और उसके बाद में फिश के प्राइस देखेंगे और इसको फिश को किस टाइप से हमारे पास में शॉपकीपर्स के पास में आती है ये भी पूरा चेक करेंगे दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें आज के हमारे स्टॉक में कौन सी फिश आई है। तो चलिए इसी के साथ में मैं यहाँ पे ये हमारे पास में देखिए, जो कि कलकत्ता से चेन्नई से जो हमारा माल आता है तो इसको इस टाइप से बॉक्स में आता है, आने के बाद में देखिए दोस्तों इसको अपन खोलेंगे। दोस्तों ये जो बॉक्स है बॉक्स के ऊपर टेप लग के आती है बस, और कुछ फिश होती है जो कि ड्रम में आती है। देखिए इस टाइप से एक बॉक्स में चार पांच कैरी बैग होती है और इस पॉलीथीन के अंदर कुछ ऑक्सीजन होता है और कुछ पानी होता है दोस्तों। ये वाला देखेंगे हम कौन सी फिशेस है दोस्तों, जैसा कि रेगुलर सबसे प्यारी जब सबके चहेती जो फिश होती है सबसे स्ट्रांग, ये हमारे पास में मॉली फिशेस है, ये एक आधे घंटे के लिए तो टेम्परेचर मैच होने के लिए, तो इसको हमें एक्वेरियम में रखना होता है उसके बाद खोलेंगे इसको। जैसा कि मैं इसमें नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ये फिश थोड़ी खतरनाक होगी, हमारे मॉली फिश को मारेगी, गैंग गोरामी फिशेस है दोस्तों, बहुत ही एक्टिव फिशेस है, तो हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर अब छोड़ देते हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए मैं इसको टेम्परेचर सेटिंग होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। हमारे पास में और कौन सी फिशेस है, वाओ दोस्तों, ये ऑरेंज कलर में शुभांगी किंग है, बिग साइज में दोस्तों, बढ़िया एकदम अच्छी साइज की, फुल साइज की शुभांगी किंग। तो दोस्तों इसको भी हम इसी टाइप से हम टेम्परेचर सेटिंग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास शुभांगी किंग पहले से भी ऑलरेडी है, इसी के अंदर मैं टेम्परेचर सेटिंग के लिए इसको भी रख देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम अगले कैरी बैग में देखेंगे कौन सी फिशेस है यहाँ पर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये सबकी चहेती फिशेस, जैसा कि इसको एक पॉलिथीन में ओपन करके देखेंगे दोस्तों, कैसा ये बाहर से आने के बाद में इसके अंदर ये लीकेज ना हो, इसके लिए इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, प्रेशर होता है काफी, और ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा रफली यूज होने के बाद भी ये लीकेज ना हो इसके लिए डबल डबल पॉलिथीन लगाई जाती है, ट्रिपल तीन तीन कैरी बैग के अंदर इसको फिट किया जाता है। बहुत ही मजबूत है दोस्तों ये है हमारे पास में एंजल फिश। तो एंजल फिश को भी दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग के लिए टेम्परेचर के लिए रख देता हूँ, बाद में हम इसको सेटअप करेंगे कौन से टाइम में डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगली फिश देखेंगे, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी एक पॉलिथिन इसका खोल के ओपन करके हम थोड़ा क्लियर देखेंगे, क्लियर फिश नजर नहीं आ रही है। तो चलिए इसी के साथ में मैं अगली फिश ओपन करके देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वाह बढ़िया, बहुत ही फ्रेश और सबकी चहेती सबसे सुपर हिट फिश, जो कि यहाँ पे गोल्डन फिश है दोस्तों, अच्छी खासी बड़ी साइज है, ठीक है। तो सेटिंग के लिए मैं सामने वाले टैंक में हमारे पास दो इंजर फिश है दोस्तों, इसी के अंदर रख देता हूँ। तो ये हमारे पास में दोस्तों अगले बॉक्स की ओर, ये बॉक्स हमारा कम्प्लीट हो चुका है, इसको मैं साइड में हटा के ये यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर देखेंगे और कौन से फिशेस है दोस्तों। जब भी फिश आती है तो उसको झटपट एक से दो दिन तक हमें ट्रांसपोर्ट में जल्द से जल्द है दोस्तों हमारे शॉप पर ला लेना होता है, अगर ज्यादा टाइम होता है तो फिश मेंटेनेंस होने के या फिश मरने के ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसलिए जब भी फिश का जब हम पार्सल करेंगे तो थोड़ा फास्ट करना होगा। चलिए दोस्तों अभी हमारे पास में अगली फिश देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। ये अगली फिश देखने से पहले ये इस टाइप से हमें एक बिल आता है, जो कि हमारे पास क्या क्या लिस्ट आई है फिश के अंदर वो भी है इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारे पास अगली फिश का मैं पहले पॉलिथीन ओपन करके देखता हूँ ये फिश कौन सा है देखेंगे, इसके भी दो दो पॉलिथीन है दोस्तों। ये फिश अगली फिश कौन सी है ये देखेंगे यहाँ पर हम, देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास में अगली फिश है, आप इसका नाम बता सकते हैं दोस्तों,
ये है हमारे पास में दोस्तों ब्लैक घोस्ट, जो तलवार जैसी फिश होती है। और इस फिश को किस टाइप से रखना है, केयर करना है, बहुत सारे कस्टमर की मेरे पास में रिक्वेस्ट है कि ब्लैक घोस्ट फिश मंगाइए। ये ब्लैक घोस्ट है 3 से 4 इंच में हमारे पास में दोस्तों इस ब्लैक घोस्ट का भी स्टॉक है। इसको किस टाइप से रखना है, किस टाइप से सेटअप करना है, कौन कौन से फिश के साथ में रहेंगे, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और अभी हम है तो कल वीडियो डालेंगे ये जो ब्लैक घोस्ट फिश के साथ में दूसरे और कौन से फिश रखेंगे और किस टाइप से हमें इसको केयर करके, ये रॉयल शाही फिश हम ब्लैक घोस्ट फिश किस टाइप से रखना है। और ये इसके आपको तो पता ही है कि सब पूरे टोटली और दूसरे जगह से मेरे पास में सभी फिशेज के रेट कम है। तो ये हमारे पास ब्लैक घोस्ट रॉयल फिश। तो दोस्तों इसको मैं टेम्परेचर सेटिंग के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए ये इस मॉब फिशेस है, इसी के अंदर मैं इसको फिश को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग के लिए रखा है हमने, इस फिश के साथ में हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर सेट हो जाएगा, आधे घंटे के बाद हम खोलेंगे इसको। फिश का स्टॉक कौन सा है आज के डेट में यहाँ पे देखेंगे, ये है सबकी चहेती फिश गोल्ड, बहुत ही रिजनेबल दोस्तों। जैसा कि फिश गोल्ड फिश का आपको पता ही है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये से लेकर हमारे पास बहुत ही अलग अलग साइज में, पूरे साइज में, छोटे से बड़े साइज की गोल्ड फिश अवेलेबल है। तो दोस्तों इसको भी हम टेम्परेचर सेटिंग के लिए छोड़ दोस्तों। यहाँ पर अभी हम अगली फिश देखेंगे कौन सी है। ये फिश का डिजाइन हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, इसके लिए मैं इसको एक पॉलिथीन निकाल कर देखेंगे। ये 3 पॉलिथीन है दोस्तों। ये फिश है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि मिल्की कोई बिग साइज की, बड़े साइज के साइज में यहाँ पर हमारे पास में जो है मिल्की कोई। और अगले पैकेट में देखेंगे फ्रेंड्स दोस्तों, ये अगली पॉलिथीन है हमारे पास में। हम जैसा कि देख सकते हैं कि टोटली यहाँ पर हम देख पा रहे कि फ्लोरन के बेबीज है, बहुत ही रिजनेबल रेट में, कम से कम रेट में यहाँ पर हमारे पास में इस फ्लोरन के बेबीज है दोस्तों। फ्लोरन फिश को किस टाइप से केयर करना है, कैसा रखना है, उसका फूड कौन सा देना है, उसके लिए भी मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। ये फ्लोरन के बेबीज को इसको हम टेम्परेचर सेटिंग के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट आपको जो भी फिश के स्टॉक है एक शॉर्टकट में आपको फास्ट में बता दूंगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में आज के डेट में जो और कौन कौन से फिश है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो पता चलेगा हमारे पास में आज की जो फिश कौन से है, कम प्राइस में इस फिश को आप आके ले सकते हैं।